नमस्कार, मैं हितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी। कार्यकर्ता सम्मेलन जज्जर के अंदर बहुत भारी भीड़ कुलदीप वत्स के समर्थन में आई है। हमारे साथ माताएं बहनें भी हैं, बात करते हैं। राम राम जी। राम राम भाई। क्या लग रहा है इतनी भारी भीड़ जुटा दी, क्या रखा मानोगे? एक तरफा जीत करेंगे भाई, ओम प्रकाश धनखड़ का सुपड़ा साफ है। अच्छा, कति छका दी उसने एक तरफ, मतलब रिकॉर्ड तोड़ मार। बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ गया, भीड़ बता देगी। वोट की चोट तो जनता ईब खट्टर सरकार ने जवाब देगी। अच्छा, काम वाम नहीं करवाएगा खट्टर? कोई काम नहीं करे, ना महिलाओं का विकास, ना युवाओं को रोजगार, ना सड़कें बनवाना, ना किसी गरीब को मकान देना, कोई भी तो काम नहीं करे, कोई भी काम नहीं। झूठी घोषणा। धनखड़ साहब तो कह रहे हैं 1600 करोड़ रुपए लगा दिए बादली हल्के में। वो ना अपना मकान बनाने में लगाए हैं, जो गुड़गांव में जी 9 में कोठी बनाई है, चंडीगढ़ में प्लाट लिया उसमें लगाए हैं। अच्छा, हल्के के विकास में नहीं लगाए। अच्छा, तो अब की बार हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाओगे? बिल्कुल। क्या लग रहा है कितनी सीटें आ जाएंगी? मारी 60+। 60+? 60+। तो क्या कहना है जी, क्या कहना, आप क्या सोच रहे हो इतनी भारी समर्थन देख के? वर्कर मीटिंग है, रैली बनगी पूरी। ऐसा ही जब टिकट जिस दिन अपने नामकरण बढ़ाया था, सुमान नहीं आ रही है कांग्रेस के नाम की। तो समर्थकों का कहना है कि दीपेंद्र हुड्डा का रिकॉर्ड भी तोड़ने वाले हैं जी। हाँ जी, 100%। अच्छा, पक्का? हाँ पक्का टूटेगा। कोई 50,000 तक घाट से वोटिंग मारने ना रहे हैं। अच्छा, हम तो गांव में डोर टू डोर जा रहे हैं। अच्छा, ये रेल हो जाए, हमारी जरूरत नहीं पड़ती वोट मांगने की। बोला न्यू बताओ जी, सपोर्ट क्या क्या करनी है? अच्छा, ऐसा लग रहा है, क्या कहना चाहोगे? हम तो नहीं कहना चाहोगे, बहुत सारी वोटों तक कुलदीप वत्स जीता और धनखड़ जा भाज। अच्छा। सब अच्छा, एक तरफा जीत हो, एक तरफा जीत है। मैडम क्या कहना चाहोगे, कैसा लग रहा है इतनी भीड़ देख? कति एक तरफा जीत से बीजेपी को खड़ा दी। अच्छा, पूरी माताएं बहने साथ हैं? बिल्कुल बिल्कुल साथ है। अच्छा, फिर और जो उम्मीदवार आ रहे हैं उनका क्या होगा? उनका कौन धनखड साहब भी है, अजीत गुलिया रखे हैं खाप की तरफ से। हाँ। उनका कुछ वजूद दिख रहा है बादली हल्के में? ना कोई वजूद नहीं है उनका, कोई जमाने जबत करा होगा, जमानत भी नहीं होगी। कितनी वोटों से लग रहा है आपको जीत हो जाएगी? 40-45। 40-45 हजार? क्या बात है। इधर मैडम है, मैडम नमस्कार, क्या कहना चाहोगे, कैसा लग रहा है इतनी भीड़ देख के? बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। तो कैसा समर्थन है, किस तरीके का जीत लग रही है आपको? दीपेंद्र हुड्डा का रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस आएगी, चिंदूगढ़ आएगी। चलो आंटी क्या कहना चाहोगे? भाई सब तो वोट ज्यादा वोटा तो कुलदीप वत्स ने जैसा हुड्डा सरकार लानी है, इतना बढ़िया काम करा सी जिस ने तो कोई भी नहीं हो सकता, कोई बनेगा। तो सरकार के बारे में बात करें तो हरियाणा के अंदर कितनी सीटें आने वाली हैं कांग्रेस की? यहाँ बहुत सबसे ज्यादा आने वाली है यहाँ पे। हाँ, एक तरफ ही। अच्छा, एक तरफा करेंगे लग रहा है? हाँ ऐसा लग रहा है। तो भाजपा जो कह रही है कि भाई हम दोबारा से 3.0 सरकार बनाने जा रहे हैं, उनके बारे में कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं, कोई नहीं है। छोटी छोटी बेटियां भी सुरक्षित नहीं है, हम इतनी बेटियों को भी बाहर नहीं निकाल सकते, इतना गंदा माहौल चल रहा है इस राज्य में। सबसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों का क्या है, वहाँ 10 साल की बेटी बाहर नहीं निकल सकती। सारे 10 साल की सरकार से दुखी हो आप भाजपा की? हाँ, उसमें चेंज करो, बदलाव लाओ। चेंज करांगे हम। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। इधर भी हाँ, राम राम जी। राम राम भाई। राम क्या लग रहा है, बहुत भारी भीड़ ले आए मन ना? इतनी मदद मिल रही है, बहुत ज्यादा प्लॉट मन ने मिल लिया, घर मन ने बनवाया, ठीक है। और भाई भाई साहब ने बनाया कुलदीप साहब ने, और जता भाई हुड्डा साहब ने, ठीक है।